कोलारस थाना क्षेत्र में कोलारस के सराफा बाजार में देवेंद्र जैन की दुकान से 18 सितंबर को तीन महिलाओं द्वारा सोने का एक डिब्बा टॉप्स से भरा हुआ चुराया गया था। ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुकी है, जिस पर से कोलारस पुलिस ने पतासाजी के दौरान ये महिलाएं ग्वालियर का होना पाया है। एक टीम ग्वालियर रवाना की गई, जिसने बबीता जाटव और अनीता जाटव को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे 10-10 सोने के टॉप्स भी बरामद किए गए, जिनकी कुल कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। ये शिवपुरी में जो थाना कोलारस में 15 तारीख को देवेंद्र जैन की ज्वेलर्स की दुकान है, जिसके आप तीन महिलाएं आई थी और बातचीत करके अपना इंटरेस्ट दिखा के उन्होंने धोखाधड़ी से 30 सोने के टॉप लेके निकल गए थे। बाद जो महिलाएं हुआ उसकी FIR हुई और उसमें कहीं ना कहीं उनके फोटो जो आए फुटेज में, उसके आधार पर शिवपुरी और आसपास के जिलों में उनके बारे में पतादर्शी की जा रही थी। इसमें जो हमारे SDO के अमरनाथ वर्मा, इन्होंने यहाँ से PI सतीश चौहान और इंस्पेक्टर अरविंद राजपूत जो नेटवर्क हैं, इनकी टीम भी लगा रखी थी ग्वालियर भेजा था, तो वहाँ पे पता लगा कि इस तरह का मिलता जुलता जो उन्होंने एक दो है जो अलग तरह के जनरली रहता है और उनमें कुछ महिलाएं इस तरह की घटना करती हैं। उसके बारीकी से पता लगी करने करके हम दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है, अनीता जाटव को और बबीता जाटव को। जैसे कि 20 टॉप्स मिले हैं, 80 ग्राम सोना गया, तो 62 ग्राम की रिकवरी हुई है। एक तीसरी महिला जो फरार है, इनके बारे में ये पता लगा है कि एक 10-15 महिलाओं का एक ग्रुप बना के वो कोशिश करते हैं कि तीन के भी दो के 5 जाके जहाँ भी ज्वेलर्स होते हैं उनसे बातचीत करके भी मौका मिलता है तो वहाँ से सोने के आभूषण चुरा लेते हैं। दूर में भी सर इन पर अपराध कायम होते हैं। अभी इसकी हम लोग पूछताछ इन्फॉर्मेशन में और बात क्लियर होगी। पहले नरवर में इन्हीं के ग्रुप के लोगों के द्वारा वारदात की गई, ये पता लगा 2015 में, और ग्वालियर में कुछ करता है जिनको गरीब कह दिया जा रहा है।